लेकिन दिल्ली वर्कशॉप के लिए जाने का क्या डिसीजन हुआ? जा रही है ना वो? हाँ हाँ मैम, सुनो, दिल्ली वर्कशॉप में जा रही है, मतलब पक्का जा रही है। क्या कर रहा है? तो मैं बुकिंग्स वगैरह करने के लिए बोल दूँ ना? हाँ हाँ मैम, आप सारी बुकिंग्स करवा दीजिए। तू बाबा नहीं मानेंगे। सुनो तो रुकना, एक मिनट में बात कर रहा हूँ ना। हाँ मैम, सोनू आ रही है, मतलब पक्का आ रही है। तो फिर सोनू को बोलना पैकिंग वगैरह शुरू कर दे। हाँ हाँ ठीक है मैम, मैं पक्का बोल दूंगा उसे। ठीक है चलो, बाय, हैव अ नाइस डे। बाय, यू टू। बोल दिया। क्या किया तूने? हाँ यार टप्पू, तुझे पता है कि भिड़े अंकल ने एक बार बोल दिया तो वो नहीं मानेंगे, फिर भी तूने फोन पे बोल दिया। ला मुझे फोन दे, मुझे उनको फोन करके बताने दे कि मैं नहीं आ सकती। अब उनको कैसा लगेगा कि पहले हाँ बोलती है फिर ना बोलती है? सोनू सोनू चिल चिल चिल। अनुष्का मैम को फोन करके ना बोलने की कोई जरूरत नहीं है। क्यों क्यों? फ्रेंड्स, टप्पू ने भी कच्ची गोलियां नहीं खेली है। यार टप्पू, ये सब हमें मत सिखा, तूने हमारे साथ ही गोलियां खेली। फ्रेंड्स, मेरे पास एक ऐसा आइडिया है जिससे भिड़े अंकल 110% मान ही जाएंगे। क्या क्या आइडिया? बता। बताता हूँ, लेकिन सबसे पहले गोली होगी। तुम दोनों अपने अपनी मम्मी को अंजलि आंटी के घर पर लेकर आओ, और पिंकू तो बबीता आंटी को लेकर अंजलि आंटी के घर पे पहुंच। हाँ लेकिन क्या बोलकर लेके आए? तू सिर्फ उनको इतना बोल के लेडीज क्लब और टप्पू सेना की जॉइंट मीटिंग है, बाकी का प्लान मैं सबके साथ ही बताता हूँ। जाओ जाओ, चली जाओ, चली टप्पू, मुझे तो पता क्या प्लान है। I'm worried अगर इस प्लान ने काम नहीं किया तो बाबा और ज्यादा अपसेट हो जाएंगे, और मुझे उनको अननेसेसरीली हर्ट नहीं करना। सोनू, तुझे टप्पू पर भरोसा है ना? वो तो है टप्पू, लेकिन बस। तो फिर सोनू, भीड़ अंकल तुझे परमिशन देंगे और वो भी खुशी खुशी। भगवान करे ऐसा ही हो। अरे सोनू ऐसा ही होगा, चल अब अंजलि आंटी के घर चलते हैं। चल चल चल, सब ठीक हो जाएगा। हाय, गुड मॉर्निंग अंजलि आंटी। गुड मॉर्निंग टप्पू, सोनू, आप दोनों यहाँ? क्या बात है? अंजलि आंटी, आज आपके घर पे टप्पू सेना और लेडीज क्लब की जॉइंट मीटिंग बुलाई गई है। एक मिनट, टप्पू सेना और लेडीज क्लब की जॉइंट मीटिंग? क्यों भाई, क्या बात है? हाँ आंटी, सब लोग बस आते ही होंगे तो सबके आने के बाद ही बताता हूँ आपको। टप्पू, क्या बात है? हाँ अचानक से टप्पू सेना और लेडीज क्लब की जॉइंट मीटिंग क्यों? बताता हूँ। तो जैसा कि आप सबको पता है कि सोनू ने नेशनल ऐसे कंपटीशन में पूरे देश में टॉप किया है। Yes, of course. और आपको ये भी पता है कि सभी देश में से जितने भी स्टूडेंट्स ने टॉप किया है उनके लिए एक वर्कशॉप होगा और सोनू भी वो अटेंड करने वाली है। तो उसमें प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है अंजलि आंटी की वर्कशॉप दिल्ली में है और 30 दिन का है। हाँ, और भीड़ अंकल नहीं चाहते कि सोनू 30 दिनों तक दिल्ली में ये वर्कशॉप अकेले अटेंड करे, और भीड़ अंकल ने सोनू को मना कर दिया। वैसे भीड़े भाई की चिंता मैं समझ सकती हूँ, बेटी को अनजान शहर में 30 दिनों तक अकेले भेजना ये थोड़ा मुश्किल तो है। इवन आई अंडरस्टैंड भीड़े भाई वरिड क्यों होंगे, मैं उनकी जगह होती ना तो मुझे भी इतनी ही चिंता होती। गोल्डन चांस है, ये वर्कशॉप सबसे बेस्ट होने वाला है और वहाँ पर सारी फैसिलिटीज होंगी। अगर सोनू को वहाँ जाने मिला तो सोनू के लिए एक पूरा नया एक्सपीरियंस हो जाएगा ना। और सोनू को दिल्ली जाने की परमिशन दिलवाने के लिए भीड़ अंकल को आप लोग मनाओगे। हम लोग? हाँ? कैसे? बताता हूँ। ओके? ओके। ओके। पर मुझे अभी भी थोड़ा डाउट है, प्लान काम करेगा या नहीं, बाबा परमिशन देंगे कि नहीं। सोनू प्लीज डोंट लूज होप्स, ओके? जो भी होगा अच्छा ही होगा। हाँ हाँ चलो, तो फिर देर किस बात की, भीड़े भाई के पास चलते हैं। सोनू, भीड़े भाई कहाँ है? आई बाबा दोनों मिठाई लेने गए थे पर अब तक आ गए होंगे। तो चले, चलो लेट्स गो। चलते 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 चलते। हाँ आ गई मिठाई। माधवी जरा एक ग्लास पानी अनबरु। ओह
छोटे। नहीं 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 माधवी प्लीज नको नहीं। और मेरी पूरी बात तो सुन लीजिए, पहले ही ना बोल रहे हैं आप। मुझे पता है माधवी तुम क्या बोलने वाली हो, और मेरा जवाब है नहीं। मैं सोनू को 30 दिनों के लिए दिल्ली नहीं भेजूंगा। देखिए आपकी चिंता मैं समझ सकती हूँ, मुझे भी वही चिंता है। मुझे पता है हमारी सोनू हमारे बगैर 4-5 दिन से ज्यादा कहीं दूर नहीं गई है अकेले, पर सामने से इतनी अच्छी संधि चलकर आई है तो मुझे अभी भी लग रहा है कि हमें एक बार सोचना चाहिए। माधवी जरा समझने की कोशिश करो, रोज अखबार में न जाने कैसी कैसी खबरें पढ़ने मिलती है। ये आज का जमाना हमारे जमाने जैसा नहीं है माधवी, बदल गया है। जरा सोचो, सोनू एक लड़की है, हमारी बेटी है, हम दोनों उसे जान से भी ज्यादा प्यार करते हैं माधवी। हम अगर उसे दिल्ली भेजेंगे तो 30 दिन 30 रात तक हमें एक पल के लिए भी नींद नहीं आएगी, चिंता के मारे हालत खराब हो जाएगी हमारी। हमारी बात नहीं हो, उसकी बहुत इच्छा है जाने की। मुझे पता है माधवी उसकी इच्छा है, मैं भी चाहता हूँ कि वो अच्छे से पढ़े लिखे, आगे बढ़े, प्रगति करे। लेकिन उसकी प्रगति और सुरक्षा में से किसी एक को चुनने का सवाल आएगा ना माधवी, तो मैं हमेशा उसकी सुरक्षा ही चुनूंगा। अहो पर वो इंटरनेशनल वर्कशॉप है, वहाँ पे भी सुरक्षा तो होगी ही ना। हाँ तो होगी ना, मैं काम मना कर रहा हूँ। लेकिन वहाँ पे हम नहीं होंगे। तुम्हें पता है रोज रात को सोते वक्त मैं 3-3 बार दरवाजा चेक करता हूँ, ठीक से बंद किया है कि नहीं, कुंडी ठीक से लगाए कि नहीं। अरे कभी कभी तो आधी रात को उठकर सोनू के रूम में जाता हूँ ये देखने के लिए कि सोनू अच्छे से सो रही है कि नहीं। जब मैं उसे अच्छे से सोते हुए देखता हूँ ना, तब मुझे संतोष होता है, तब लगता है कि मेरा परिवार सुरक्षित है। वहां दिल्ली में जाके मैं कहां कहां और क्या क्या चेक करूंगा माधवी। ठीक है, अभी मैं आपका निर्णय मान लेती हूँ, लेकिन ये याद रखिएगा, भले ही आप उसको आज दूर मत जाने दो, अपनी आंखों के सामने रखो, लेकिन वो लड़की है, एक ना एक दिन उसकी शादी होगी, वो पराए घर जाएगी, तब क्या करेंगे आप? तब की तब देखेंगे माधवी, वो बात अभी मत निकालो। मेरे भाई, अरे आइए आइए आइए, अरे अरे क्या बात है मेरे भाई, मेरी कांग्रेचुलेशंस टू यू गाइस। हाँ, थैंक यू। हमने सोचा इतनी खुशी की बात है तो माधवी भाभी की फेमस कोथिंबीर वड़ी, बटाटा वड़ा और थोड़ी सी चाय वाली पार्टी तो हो ही सकती है ना। हाँ, ओह का नहीं, लेकिन लेकिन ये पार्टी पार्टी नहीं गिनी जाएगी, इसके बाद पूरी सोसाइटी के साथ एक बहुत बड़ी पार्टी होनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, एक ग्रैंड पार्टी होगी। अरे भेड़े भाई, मुझे तो पक्का यकीन है कि अपनी सोनू अपने क्षेत्र में ऐसा कुछ कर दिखाएगी जो पहले जिंदगी में कभी किसी ने किया ना हो। अरे इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है, हमारे देश में ऐसी कितनी महिलाएं हैं जिन्होंने हमारे देश का नाम पूरे दुनिया में रोशन किया है। अरे मैरी कॉम को ही ले लीजिए, शी इज वन वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप 6 times, और साइना नेहवाल दुनिया की सबसे बड़ी बैडमिंटन चैंपियन रह चुकी है, अरे कितने मेडल पन जीत चुकी है। वो गीता और बबीता फोगाट क्या कुश्ती लड़ती है, दुनिया की बड़ी बड़ी रेसलर्स को चित कर दिया उन्होंने। अरे गोया सिर्फ ये दो नहीं, बाकी की 3 फोगाट बहने भी कुश्ती में देश के लिए बहुत सारे मेडल जीत चुकी है, विनेश, प्रियंका और रितु, और उनके कोच है उनके पापा महावीर सिंह फोगाट, उन पे मूवी बन चुकी है। हाँ वाह, दंगल। यस, और सिर्फ स्पोर्ट्स में नहीं, हर फील्ड में ऐसा ही है। अब कल्पना चावला को ही ले लो, बिडंगल वो कौन से साल में स्पेस में गई थी? 1997 में कल्पना चावला सबसे पहली भारतीय महिला थी जो अंतरिक्ष में गई। और बिडंगल वो सुनीता विलियम्स, उनके नाम भी कोई वर्ल्ड रिकॉर्ड है ना? बिल्कुल बिल्कुल, सुनीता विलियम्स दूसरी महिला थी जो अंतरिक्ष में गई थी, और उनका अंतरिक्ष में लगातार 116 दिन तक रहने का वर्ल्ड रिकॉर्ड है। हमारे देश में तो पहले से ही महान महिलाएं हैं। डॉक्टर आनंदीबाई जोशी, वो तो भारत की पहली महिला डॉक्टर बनी थी, और वो भी कौन से जमाने में, 1887 में, तब कितना मुश्किल रहा होगा डॉक्टर बनना। अच्छा तो वो आपका जमाना था, अब पता चला। ये गोया, उस वक्त मेरे दादाजी भी पैदा नहीं हुए थे। अगर हम लोग भारत की महान महिलाओं के बारे में बात कर रहे हैं, तो हम लोग इंदिरा गांधी जी को कैसे भूल सकते हैं? भारत रत्न इंदिरा गांधी जी, हमारे देश की पहली महिला प्रधानमंत्री।
ऐसे तो कई क्षेत्र में कई सारी महिलाएं हैं, है ना भिड़े भाई? हाँ हाँ बिल्कुल अंजलि भाभी, आज हम उनको याद करते तो सरशान से ऊंचा हो जाते। भिड़े भाई, क्या आप नहीं चाहते कि अपनी सोनू सिर्फ अपना नहीं पूरे देश का सर ऊंचा करे? भीरे भाई, देखिए आज हम इनके और इनके अचीवमेंट के बारे में बात जो कर रहे हैं, ये इन महिलाओं ने अपने घर पे अपने माँ बाप के सामने बैठ के तो ये सब अचीव नहीं किया है ना। आप ही सोचिए भीड़े भाई, मैरी कॉम को अगर सोनू की उम्र में उसके घर वालों ने गांव से बाहर जाने से रोका होता तो क्या वो 6 बार वर्ल्ड चैंपियन बनती? और महावीर सिंह फोगाट जी, उन्होंने अपनी बेटियों को कुश्ती की प्रतियोगिता में जाने ही नहीं दिया होता तो क्या वो अपने देश के लिए इतने सारे मेडल्स ला पाती? सोचिए भीड़े भाई। डॉक्टर आनंदी भाई जोशी, 1887 में अगर वो घर पे बैठते डॉक्टरी की पढ़ाई नहीं करते तो भारत की पहली महिला डॉक्टर कैसे बनते? भीरे भाई देखिए, इन सभी महिलाओं के पेरेंट्स, उनके घर वाले उनसे बहुत प्यार करते थे, उन्हें भी अपनी बेटियों की उतनी ही चिंता थी, फिर भी उन्होंने अपनी बेटी को अपने से दूर भेजा और शायद इसीलिए आज वो इतना कुछ अचीव कर पाए और इतना महान बन पाए। सभी माँ बाप चाहते हैं कि उनके बच्चे सुरक्षित रहे, उनकी आंखों के सामने रहे। हाँ। लेकिन जब बेटियां अपने माँ बाप की नजरों से दूर खुद अपनी नजरों से दुनिया देखेगी, अपनी हिम्मत से अपनी मुश्किलों का सामना करेगी, खुद अपनी जिंदगी जीना सीखेगी, तभी तो वो दुनिया में श्रेष्ठ बन पाएगी। Exactly. और भीरे भाई, हमारी सोनू जैसी बेटियां तो इस देश का क्या, इस दुनिया का फ्यूचर है। हाँ भीरे भाई, इनकी उड़ान बहुत ऊंची है और इनको उड़ने के लिए पूरा आसमान चाहिए। अगर हमें इन्हें कुछ भी तोहफे में देना है तो इन्हें उनका खुला आसमान देना चाहिए, पूरा आसमान देना चाहिए। क्या बात, एग्जैक्टली, ताकि वो लोग मुक्ति से उड़ सके। बस एक बार इनको उड़ने का मौका दीजिए, इनकी प्रतिभा को निखरने दीजिए। देखिए मैं आपकी बात समझ रहा हूँ, लेकिन हम लोग तो मुंबई में रहते हैं ना, तो यहाँ पे कितनी सारी अपॉर्चुनिटीज है, यहाँ पे उसे जो चाहे वो कर सकती है, मैं हमेशा उसके साथ हूँ। भीड़े भाई आप हमें गलत मत समझिए, हम आपको ये नहीं कह रहे कि बेटियों को अपनी नजरों से दूर भेजने के बाद ही वो कुछ अचीव कर सकते, ऐसा बिल्कुल नहीं है। लेकिन किसी लड़की को सोनू जैसी गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिले और उसे जाने की परमिशन ना देना और घर पे रोक के रखना, वो उसे आगे बढ़ने से रोकने के बराबर ही है भीड़े भाई। Yes, भीड़े भाई, I think आपको सोनू को दिल्ली के वर्कशॉप में जाने की परमिशन दे देनी चाहिए। अब जरा सोचिए, आपने अगर हमारी सोनू को आज परमिशन दे दी तो क्या पता जैसे आज हम मेरी कॉम, साइना नेहवाल, फोगाट बहनों की बातें कर रहे हैं, वैसे एक दिन पूरा देश हमारी सोनू के बारे में बात करेगा। हाँ भीड़े भाई, प्लीज परमिशन दे दीजिए। हाँ भीड़े भाई, प्लीज परमिशन दे दीजिए सोनू, प्लीज प्लीज बाबा। नहीं 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 नहीं, सोनू अकेले दिल्ली नहीं जाएगी, उसे छोड़ने के लिए मैं भी उसके साथ जाऊंगा। सोनू बेटा, I'm really sorry. दरअसल मैं स्वार्थी हो गया था, सिर्फ मुझे चिंता ना हो इसके लिए मैं तुम्हें वर्कशॉप में जाने से मना कर रहा था। नहीं बेटा, तुम जाओ,
तुम जरूर जाओ। मुझे पूरा भरोसा है कि तुम किसी भी परिस्थिति में खुद का ख्याल रखोगे और अपने आई बाबा का सिर गर्व से ऊंचा करो। आई प्रॉमिस बाबा, मैं आप दोनों को शिकायत का एक भी मौका नहीं दूंगी। अपना भी पूरा ख्याल रखूंगी और आप दोनों की भावनाओं का भी। आई एम प्राउड ऑफ यू बेटा, आई एम रियली प्राउड ऑफ यू। और हाँ, मुझे मेरी गलती का एहसास करवाने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। कम ऑन भिड़े भाई, एक बाप होने के नाते आप बिल्कुल गलत नहीं थी। हाँ भिड़े भाई, हमने तो आपको इसी बात को बस एक अलग नजरिए से दिखाया। चलो अंत भला तो सब भला। यस। अच्छा, तो अनुष्का मैम को फोन करके बोलते कि तू आ रही है। हाँ, अभी कभी फोन करूँ। भिड़े अंकल, उसकी कोई जरूरत नहीं है। क्यों? अरे अनुष्का मैम को बताना पड़ेगा ना कि तू आ रही है। आई, उसकी कोई जरूरत नहीं है। माधवी आंटी, यहाँ आने से पहले मैंने अनुष्का मैम को बोल दिया था कि सोनू आने वाली है। यहाँ आने से पहले मुझे? तुझे कैसे पता था कि ये मान जाएंगे? मुझे अपने प्लान पर पूरा भरोसा था। प्लान? मतलब तुम सब यहाँ पे प्लान करके आए थे? पीड़ंगल, प्लान हो या ना हो उससे क्या फर्क पड़ता है, यहाँ पर जो भी बातें हुई है वो सब तो सची है ना। लेकिन टप्पू, तुम्हें इतना कैसे भरोसा था कि मैं मान ही जाऊंगा? पीड़ंकल, मुझे अपने आप से ज्यादा आप पर भरोसा था। मुझे पता है कि आपकी सोच कितनी ऊंची और सही है। महिलाओं का सम्मान करना, उनकी अचीवमेंट्स, ये सब आप ही ने तो हमें सिखाया है। और मुझे पूरा यकीन था जब आपके सामने ये सारी बातें रखी जाएंगी तो आप पक्का मान जाएंगे। और तुम बिल्कुल सही थे टप्पू, थैंक यू। अरे मेंशन नॉट। बस बस बस, अभी फॉर्मेलिटी बहुत हो गई। और हाँ माधवी, अभी लड्डू से काम नहीं चलेगा, इनको वाकई में ग्रैंड पार्टी देनी होगी। हाँ, लड्डू आ गए तो खा लेते हैं ना। सुनो, सबका मुंह मीठा करना, प्लीज प्लीज। आखिरकार टप्पू का आइडिया काम आ गया। गोकुलधाम के महिला मंडल ने भिड़े को अच्छी तरह से समझा दिया और हम सभी को समझना चाहिए। नारी बड़ी महान होती है, हमारे देश में तो महान नारियों का इतिहास रहा है, उन्होंने कितने महान कार्य किए। हर माँ बाप को एक चीज समझनी चाहिए कि अगर बच्चियों को उड़ने के लिए आकाश नहीं दिया जाएगा, अगर उन्हें पंख नहीं दिए जाएंगे तो वो उड़ेंगी कैसे भाई? उनकी सुरक्षा आवश्यक है, सावधानी रखना बिल्कुल आवश्यक है, लेकिन उतना ही आवश्यक उनकी तरक्की भी है, उनकी उड़ान भी है। तो भाई, यहाँ सोनू का काम तो बहुत अच्छे तरीके से हो गया, लेकिन अब पोपटलाल के साथ कुछ होने वाला है। क्या होने वाला है जानने के लिए देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।